अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल अपग्रेड योर ग्रेड। मेरा नाम सलमा रमान और मैं बायो की लेक्चरर हूँ। जो टॉपिक आज मैंने चूज़ किया वो है फूड बायोटेक्नोलॉजी। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी का फादर कौन था, फर्स्ट FDA अप्रूव्ड ह्यूमन ड्रग कब बनी थी, फील्ड्स बायोटेक्नोलॉजी की कौन कौन सी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट इज़ फूड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का वर्ड जब हमारे माइंड में आता है तो हमें ये पता चलता है कि ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है, बायो एंड टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और टेक्नोलॉजी का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। एक ऐसी फील्ड है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग अप्लाई करते हैं डिफरेंट ऐसी टेक्निक्स को ताकि हम सिंथेसाइज कर सकें ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट्स, जो कि नॉर्मली सिंथेसाइज करना काफ़ी मुश्किल होता है। सो बायोटेक्नोलॉजी डिफाइंड एज एन एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स एंड इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोब्स एंड इंजीनियरिंग साइंस इन ऑर्डर टू अचीव बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। Applications of biotechnology began about 10,000 years ago when Mesopotamian civilization unintentionally had used bacteria for the conversion of wine into vinegar. Classical phase of biotechnology proves that crop rotation, animal selection, milk production, fermentation of yogurt and milk, as well as selection of best or fittest plant and animal were followed by Persian civilization. जर्मन एग्रीकल्चर इंजीनियर कैरोलाय इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी फादर। उसने फर्स्ट टाइम ये टर्म 1919 में यूज़ की थी जब उसने शुगर बीट को डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू डिग्रेड करवाया और उसने पिक की प्री मेच्योरिटी के लिए एक फूड प्रिपेयर की थी। सिमिलरली फर्स्ट ह्यूमन FDA अप्रूव्ड इंसुलिन ड्रग वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1982 बाई फॉलोइंग बायोटेक प्रोटोकॉल। As about 422 million people worldwide had diabetes and the prevalence of diabetes has been increased in over past few decades. 1950s के बाद genetic engineering के process को introduce करवाया गया था जो कि biotechnology ही की सब field है। इस process में human insulin gene को cut करके bacteria के plasmid में insert किया जाता है। बैक्टीरिया के प्लाज्मिड की ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होती है और वो एज अ रिजल्ट प्रोटीन बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जो इंसुलिन की फॉर्म में होगी। इंसुलिन को बैक्टीरिया के सेल से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है और उसके बाद उसको एज अ ड्रग यूज़ किया जाता है। 16 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में डायबिटिक पेशेंट की कैटेगरी में आती है। अगर हम इंसुलिन को बैक्टीरिया के थ्रू या बायोटेक्नोलॉजी प्रोसीजर के थ्रू ना प्रोड्यूस करें तो हम इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को ड्रग्स या मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर सकते। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी इज़ प्लेइंग इट्स वाइटल रोल इन ह्यूमन लाइफ। मेजर फील्ड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर फूड बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल एंड फ्यूल बायोटेक्नोलॉजी। Food biotechnology is important field of biotechnology, but let me explain what food is. Food is any substance or a material which is consumed by a living body, which after digestion provides sufficient amount of energy, and this energy will be used for different cellular activities. Food biotechnology, biotechnology की एक ऐसी branch है जिसमें हम plants, animals और microbes की उन genes को manipulate या modify करते हैं जो कि directly या indirectly हमारे food sources के साथ interconnected हैं। हम इन फूड सोर्सेज की न्यूट्रिशनल लेवल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हम इन फूड सोर्सेज की मार्केटिंग प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, हम इनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, हम इनके ट्रांसपोर्ट टाइम पीरियड को इंक्रीज कर सकते हैं, हम इनको ख़राब होने से बचा सकते हैं, हम इनके अंदर डिफरेंट वैक्सीन्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, हम इन फूड डिफरेंट फूड सोर्सेज के थ्रू ड्रग्स को टारगेट ड्रग्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। As we know, our world population is 7.7 billion. So to fulfill food demand of 7.7 billion people, food biotechnology is playing its vital role. फूड सोर्सेज के न्यूट्रिएंट्स या उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो ज़ाया हो सकते हैं बैड इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, तो बायोटेक्नोलॉजी में बायोफ्रुक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने नेचुरल फूड सोर्सेज के अंदर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिसके बेस्ट एग्जांपल है गोल्डन राइस की।
गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस की टाइप है जिसमें डेफोडिल और बैक्टीरिया की जीन्स को राइस की एम्ब्रियो में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और जब भी इनका एक्सप्रेशन होगा जीन्स का तो वो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करेंगी। बीटा कैरोटीन अगर होगा बॉडी के अंदर तो फाइनली विटामिन ए प्रोड्यूस होगा और अगर हम गोल्डन राइस को कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में से विटामिन ए की डेफिशिएंसी मिनिमाइज हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान में 90% जो पॉपुलेशन हमारी वो विटामिन ए डेफिशिएंट है। अगर हम गोल्डन राइस को यूज़ करते हैं तो आई प्रॉब्लम्स हमारी पॉपुलेशन के अंदर ख़त्म हो। सो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गोल्डन राइस इज़ मोर देन टिपिकल वाइट राइस। उसके अलावा फूड बायोटेक्नोलॉजी ने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोड्यूस करके उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी है। ट्रैवलिंग कैपेबिलिटीज़ हमारी डिफरेंट प्रोसेस्ड फूड की वो बढ़ चुकी हैं। हमारी फ्रूट्स हमारी वेजिटेबल्स जल्दी ख़राब नहीं होंगी, उनकी ज़्यादा लाइफ होगी, उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी चेंज नहीं होगी और वो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए फ्रेश भी रहेंगी और ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल भी रहेंगी मार्केट्स। फूड बायोटेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड थ्रू दिस प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ मिल्क इन द फॉर्म ऑफ बटर चीज़ योगर्ट ब्रेड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लेस टाइम पीरियड बिकॉज द प्रोसेसिंग पीरियड इज़ reduced through biotechnology a hen can lay 300 or more than 300 eggs per year। फूड बायोटेक्नोलॉजी ने फ्रूट्स के साइज़ को उनके कलर को उनकी शेप को उनकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी को भी मॉडिफाई किया है। सीडलेस फ्रूट्स प्रोड्यूस हुए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल सीडलेस कैलिफोर्निया ऑरेंजेस की है। सीडलेस फ्रूट्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है जिसको नाम दिया गया है म्यूटाजेनेसिस ऑफ फ्रूट्स। म्यूटाजेनेटिक एजेंट्स केमिकल के फॉर्म में रेस के फॉर्म में रेडिएशंस के फॉर्म में किसी भी जीन के अंदर जो स्पेसिफिक जीन है उसके अंदर म्यूटेशन इंड्यूस करवाती है। अगर उस जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा तो फ्रूट का कलर चेंज हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं, उसके अंदर डिजायरेबल न्यूट्रिएंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स आर नाउ इंट्रोड्यूस्ड इन मार्केट्स एंड इन फील्ड्स। दीज प्लांट्स आर कैपेबल टू फाइट विद हार्मफुल और स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। दीज प्लांट्स कैन सर्वाइव इन ड्रॉप कंडीशन इन हाई टेम्परेचर एंड आर एबल टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ सीड्स और ग्रेन्स। Common examples of disease resistant plants are wheat, soybean, canola, cucumber, banana, papaya, etc. That's all for now. Food biotechnology is very important for all of us because we all are consuming food on daily basis. If you have any question, ask me in comment section below, but please don't forget to like and subscribe our channel. Allah Hafiz.